नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अश्वनी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे क्लास सभी बच्चों तक पहुंचे और वहां पर सभी बच्चे क्लास से जुड़े। चलिएगा, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आज हमारे लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज आपके लिए हम लेके आए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि विश्व महासागर दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक है ना, 8 जून में, 9 जून में, 10 जून में या 7 जून में। ऑन विच डे द वर्ल्ड ओशियन डे इज सेलिब्रेटेड। ठीक है, तो विश्व महासागर जो दिवस हम मनाते हैं ये कब मनाते हैं भाई, इसको कब मनाया जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार सभी बच्चे आंसर करेंगे कि विश्व महासागर दिवस हम किस दिन मनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये विश्व महासागर दिवस हम 8 जून से मनाना प्रारंभ कर रहे हैं। कब से? 8 जून को ये मनाया जाता है। कब? 8 जून को। जो हमारे सागर हैं, जैसे हिंद महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर हो गया, ठीक है ना, जैसे आपका प्रशांत महासागर हो गया, तो इनके महत्व के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए हमारे यातायात के ये काम आते हैं। ठीक है, हमारी जो लोकेशन है, यानी कि जैसे अगर भारत की हम बात करें तो भारत के तीन तरफ से सागरों से भारत घिरा हुआ है, तो ये हमारे लिए सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाता है, या उस देश के लिए सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाता है जहाँ पर सागर है या जिसकी सीमा रेखा सागर से लगती है। ठीक है, ये हमारे लिए जैव विविधता का कार्य करते हैं। ये हमारे लिए किसका कार्य करेंगे? हमारे लिए संसाधन का ये कार्य करेंगे। तो ये इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो एक देश को महासागर से प्राप्त होती है। बात समझ में आई या नहीं? अगर कभी आपको किसी को समझाना है, बताना है, तो आप बता दोगे कि भाई महासागर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो वही है कि व्यापार है, यातायात है, फिर सुरक्षा का मामला आ जाता है, जैव विविधता का मामला आ जाता है, संसाधन आ जाते हैं, आप उसमें व्यापार कर सकते हैं, अपना कोई कृषि उत्पादन कर मत्स्य उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको एक जीविका के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो 8 जून को हम विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाते हैं। बात समझ में आई या नहीं, बताएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 15 से 17 जून के मध्य 3 दिवसीय राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? नई दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में या लखनऊ में? Where will the 3 days National Legislature Conference 2023 be organized from June 15 to 17? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना, है ना। चलिए, तो ध्यान रखेंगे जो हमारे विधायक होते हैं, बात हम विधायकों की कर रहे हैं, सांसद की नहीं। किसी को अगर इन दोनों में डाउट है तो हम कमेंट बॉक्स में एक बार मेंशन करें कि विधायक क्या होते हैं, सांसद क्या होते हैं। अगर ये चीजें क्लियर होगी तो आपको इस क्वेश्चन को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपको मैं बता दूं कि एक संसद के स्तर पर जो हमारे जितने भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एमपी कहते हैं या सांसद उनको कहते हैं। क्या कहते हैं? सांसद उनको कहते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनको कहा जाता है। जबकि अगर हम बात करते हैं किसी राज्य के विधानमंडल के स्तर पर, तो विधानमंडल में ध्यान रखना, यहाँ पर जितने भी क्या चुने जाते हैं, सदस्य चुने जाते हैं, उनको हम विधायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं। चाहे वो चाहे वो विधानसभा से हो, चाहे वो आपके कहाँ से हो, चाहे विधान परिषद से हो, उनको विधायक कहा जाएगा। तो ये 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन जो होगा ये कहाँ पर होगा? ये नई दिल्ली में होगा, मुंबई में होगा, चेन्नई में होगा या लखनऊ में होगा? जो बच्चे नई दिल्ली आंसर कर रहे हैं मैं बता दूँ, वो बिल्कुल गलत हैं। ये आपका मुंबई में इसका आयोजन किया जाना है। और इसको वेरी इंपॉर्टेंट में आप लिखिएगा, क्योंकि हमारी देश के जितने भी राज्य विधानमंडले हैं वहां से सभी से विधायक इसमें क्या करेंगे, शिकस्त करेंगे, सम्मेलन में शामिल होंगे। ठीक है, और ये परिचर्चा करेंगे कि आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, इससे कोई मतलब नहीं है। मेन मुद्दा, बात कहां पर आकर अटकती है कि विकास कैसे हो, समाज को विकसित कैसे किया जाए। ठीक है, ये सारी चीजें आपको वहां पर देखने को मिलेगी। तो 3 दिवसीय कॉन्वेंट सेंटर में इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पर? मुंबई के जियो कॉन्वेंट सेंटर जो होगा वहां पर इसका आयोजन होगा। बात इंपॉर्टेंट है, पिछले साल भी ये एक सम्मेलन हुआ था, महिला विधायक सम्मेलन, जो केरल में हुआ था।
ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है। आप मुझे पहले एक बार बताएंगे, थोड़ा सा नया इनोवेशन किया है इस तरह का जो आपका ये फॉन्ट है, ये सही लग रहा है, मस्त लग रहा है या नहीं, ये बताइएगा पहले। ठीक है, ये जो फॉन्ट है, इस तरह की जो लिखावट है, ये आपको स्पष्ट आपको दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है, पहले ये बताइएगा, वरना फिर जो पहले था उसको ही वहां पर रखा जाएगा। मुझे लगता है कि ये बेहतर है, इसको आपको पढ़ने में समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, ओके है ना, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने सुरनामी के सर्वोच्च सम्मान, सुरनामी एक देश है, इसके सर्वोच्च सम्मान को ध्यान से सुनिएगा, सर्वोच्च सम्मान क्या है, ग्रेड ऑफ द चैन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। चलिए तो ध्यान रखिएगा, ये आपका जो सर्वोच्च सम्मान है, सुरनामी एक देश है, सुरनाम जिसको कहा जाता है, ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है इस सम्मान का नाम। जैसे हमारे यहां पर भारत रत्न है जो हमारे देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान है, इसी प्रकार से इनका जो सर्वोच्च सम्मान है जिसको ग्रैंड ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से हम जानते हैं, ये इससे किसे सम्मानित किया गया, नरेंद्र मोदी जी को, द्रौपदी मुर्मू को, जगदीप धनगढ़ को या ओम बिड़ला को। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड द हाईएस्ट ऑनर ऑफ सुरनाम द ग्रैंड ऑफ द चैन एपी येलो स्टार, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखेंगे, ये है आपका द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति हैं, इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं ये कहां पर गए थे, पपुआ न्यू गिनी में गए थे भाई, ठीक है ना, कहां पर गए थे, पपुआ न्यू गिनी में, तो वहां के सर्वोच्च सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, बात इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। ठीक है, जगदीप धनगढ़ आप सभी जानते हैं हमारे उपराष्ट्रपति हैं, ओम बिड़ला कौन है, ये हमारे क्या हैं, हमारे ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ये भी इंपॉर्टेंट वहां पर आपके लिए हो जाएगा। बात करते हैं अगर द्रौपदी मुर्मू जी की, तो ये झारखंड से राज्यपाल थी जब इनको क्या बनाया गया था, राष्ट्रपति बनाया गया था, इनका जो मूल निवास है वो उड़ीसा राज्य से बिलोंग करती हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। बात समझ में आई या नहीं पहले ये बताएंगे, क्या आप बता सकते हैं कि हमारी जो राष्ट्रपति हैं ये कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं, बताएंगे एक बार सभी बच्चे। चलिए 15वीं राष्ट्रपति हैं, ध्यान रखिएगा, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपनी सुपरसोनिक मिसाइल फतेह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, इराक ने, ईरान ने, सऊदी अरब ने या इसराइल ने, रिसेंटली विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड इट द सुपरसोनिक मिसाइल फतेह, नाम याद रखना फतेह, फतेह जो मिसाइल है ये किस देश ने इसको अभी इसका प्रशिक्षण किया है, परीक्षण किया है, तो ईरान की ये मिसाइल है भाई, ध्यान रखना किसकी, ईरान की। जैसे हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए, हमारे पास में क्या है, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम है, हमारे पास में अग्नि है, ठीक है, तो ये हमारी हो गई। इसी प्रकार से दूसरे देश भी अपनी सुरक्षा के लिए मिसाइलों का परीक्षण करते हैं, तो उसमें फतेह आपको नाम याद रखना है, जो कि किसकी है, ईरान देश की है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ईरान और अमेरिका के बीच में कभी भी किसी भी बात को लेकर समझौते नहीं हुए हैं। ईरान का ये मानना है कि मध्य एशिया में जितनी भी अशांति है, चाहे वो अफगानिस्तान ही क्यों ना हो, ये सभी अमेरिका की देन है, ठीक है, तो इसलिए वो चाहता है कि मेरी जो सुरक्षा है वो मेरे हाथों में है, और यही बात सब पर लागू होती है, ध्यान रखना। अगर आपको जीवन में कुछ करना है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आपको हो सकता है कि कुछ बच्चे इससे असहमत हो, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। अगर आपको लड़ना है, सीखना है, जीना है इस दुनिया में, तो आपको खुद सक्षम होना होगा, आपको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, चाहे आपको कोई धर्म के नाम पर लड़ाता हो, चाहे आपको कोई आपके मजहब के नाम पर लड़ाए, अगर आप खुद सक्षम हैं तो आप उससे लड़ जाओगे, वरना आपको वो बीच में ही समाप्त करके चला जाएगा, ठीक है। तो ये भाई सच्चाई है, ध्यान रखना, ये जो बेकार की बातें आप व्हाट्सएप पे पढ़ते हो, ठीक है, तो अगर आपको कुछ जीवन में अचीव करना है तो अपने आप आपको स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए तो ये हो जाएगा आपका ईरान, यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम जो है ये आपको ध्यान रखना है, हमने किसके साथ मिलकर बनाया था, रशिया के साथ में, एक ब्राक मिसाइल सिस्टम है भारत का जो हमने इसराइल के साथ में ईजाद किया है, ठीक है ना, अग्नि आपने देखा होगा, तो ये सारी चीजें आपको वहां पर ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
हाल ही में भारत की बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कानूनी मुद्दों पर परीक्षण करने व मदद के लिए किस देश की लॉ सोसाइटी के साथ में समझौता किया है। जो हमारे देश की एक बार काउंसलिंग है, इसने कानूनी मुद्दों का परीक्षण करने के लिए, प्रशिक्षण करने के लिए, ये प्रशिक्षण हो जाएगा भाई, वह मदद के लिए किसके साथ समझौता किया? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा व ब्रिटेन, ध्यान रखना, ठीक है ना। रिसेंटली द यूएस काउंसलिंग, सॉरी इंडिया की काउंसलिंग, इंडिया हैज टाइड अप विद द विच कंट्री सोसाइटी फॉर द ट्रेनिंग एंड हेल्प ऑफ लीगल इश्यूज। तो हमने ब्रिटेन की जो लॉ सोसाइटी है उसके साथ में समझौता किया है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। तो किसके साथ में हमने ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन की जो लॉ सोसाइटी है उसके साथ में हमने समझौता किया। अब इस समझौते का मतलब क्या हो जाएगा? इस समझौते का मतलब ये है कि वहां पर हमें देखना है कि उनका जो न्यायालय है, उनका न्यायालय किस प्रकार कार्य कर रहा है। वो हमारे यहाँ के न्यायालय को देखेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार की जो न्यायिक प्रक्रिया चलती है वो किस प्रकार से चलती है, ठीक है ना। एक केस को लेकर यहाँ पर कितना समय लगता है, क्या क्या उसमें तकनीक का यूज किया जाता है, या जो सुनवाई होती है वो कितने दिन के बाद होती है। इसी प्रकार से हमारे जो बार काउंसलिंग के सदस्य हैं वो वहाँ पर जाकर या उनके माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। तो हो सकता है कि इस आदान प्रदान से हमारे जो सिस्टम है, न्यायिक सिस्टम है, इसमें सुधार हो जाए, ठीक है। कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, मेरा मानना तो यही है। जब आप किसी के साथ अटैच होते हैं, बात करते हैं, तो उससे कुछ सीखने को आपको मिलता है, उसको सीखना चाहिए और अपने जीवन में भी उसको उतारना चाहिए, ठीक है। इसी से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो आप जितनी संध्या देखते हैं, जितने सम्मेलन देखते हैं, इनका करने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि आप एक दूसरे से सीखें, और ये पूरा जीवन है इस प्रकार से चलता रहेगा। तो ब्रिटेन की लॉ सोसाइटी के साथ में क्या किया गया है? समझौता किया गया है। कोई डाउट है तो बताइएगा, क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। ब्रिटेन जो है, अभी आपको वहां पर ध्यान रखना होगा। कुछ बच्चे पहली बार आज क्लास में आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। एसएससी मेकर एप्लीकेशन को आपको क्या करना है? डाउनलोड करना है, और आपको जो एसएससी मेकर यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना होगा। चलिए, हाल ही में देश की कितनी प्राथमिक कृषि ऋण समितियां को जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति दी जाएगी? आपसे चार दिन पहले मैंने आपको इसके बारे में बताया था, किसके, जो प्राथमिक ऋण कृषि ऋण समितियां हैं, मैंने आपको बताया था। ये जो ऋण समितियां हैं, ये जो गांव में साहूकार होते हैं, ठीक है ना, जो धनंजय लोग होते हैं, साहूकार होते हैं, उनसे किसानों को बचाने के लिए ये जो समितियां हैं इनको दोबारा से रिन्यू किया जा रहा है, ठीक है। इनसे दोबारा से इनको शक्तियां दी जा रही हैं, ठीक है। तो इनको और भी शक्तियां दी गई कि आप क्या कर सकते हो, जन औषधि केंद्र खोल सकते हो, और पूरे भारत में ऐसी 2000 कृषि ऋण समितियां होंगी जिनको ये सुविधा दी जाएगी कि आप साथ की साथ क्या कर सकते हो, जन सुविधा केंद्र जो होता है, औषधि केंद्र, ठीक है ना, उसको भी आप खोल सकते हो। आपने देखा भी होगा कि जब आप इन पर दवाई लेने जाते हैं तो लगभग 40% 50% 70% तक का आपको डिस्काउंट वहां पर मिल जाता है। एक मिनट, तो आपने देखा भी होगा, अगर आपको कोई दवाई खरीदनी है, आप अगर इन स्टोर्स पर जाते हो, आपके नज़दीक में हो, तो आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं, एक्सपीरियंस करके देखना, तो आपको काफ़ी सस्ती वहां पर दवाई मिलेगी और अच्छी दवाई मिलेगी जन औषधि केंद्र से, ठीक है ना। तो इस तरह के लगभग 2000 औषधि केंद्र खोले जाने की पूरी वहां पर सरकार इनको क्या कर रही है, पूरी एक तरीका से सुविधाएं दे रही है। ऋण भी वहां पर मुहैया कराया जाएगा किसानों को। यहाँ पर ऋण समितियां क्या करेगी, साहूकार से बचाने के लिए वित्तीय लेन देन को आसान करेगी। बात समझ में आई या नहीं, पहले बताएंगे, ठीक है। तो एक बार बताएंगे सभी बच्चे, बात समझ में आपको आई या नहीं, क्लियर है या नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो हाल ही में दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉलर कौन बने हैं? वेरी गुड, ठीक है ना, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना। दुनिया के सबसे महंगे जो फुटबॉलर बने हैं ये कौन बने हैं? थोड़ा सा गैस करने का प्रयास करें, आप एक बार बताइएगा कि सबसे महंगे फुटबॉलर कौन हो सकते हैं। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, गलत हैं, ये फ्रांस के हैं, करीम बेंजमा। किस देश के खिलाड़ी हैं? करीम बेंजमा। इनको सऊदी अरब क्लब के द्वारा खरीदा गया है 3529 करोड़ रुपए में। कितने में?
3529 करोड़ रुपए में एक बार राशि पर नजर लगाइएगा, ठीक है ना। एक बार राशि पर आप नजर लगाएंगे 3529 करोड़ रुपए, आप सोच सकते हो। और मात्र ये 3 साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल तक के लिए ये जुड़े हैं, ठीक है ना। एक सरकारी नौकरी में हम 3 लाख रुपए सेव नहीं कर पाते 3 साल में, ठीक है। और आप देख पा रहे हो यहाँ पर 3529 करोड़ रुपए क्या है, ये 3 साल के लिए इनकी क्या है, वैलिडिटी है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि अगर काबिलियत आपके अंदर है, ठीक है, तो आपको कोई भी टिका नहीं सकता, ठीक है ना, आपको कोई हरा नहीं सकता, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ, काफ़ी बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। तो भाई काबिल बनो, काबिल इन द सेंस मतलब ये है, ठीक है, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर अगर कोई टैलेंट है ना, उसको बाहर निकालने का प्रयास करो, ठीक है, उसको बाहर निकालो। गवर्नमेंट जॉब में आप जीवन जी सकते हो, लेकिन अगर टैलेंट है तो इसको क्या करोगे, इंजॉय करोगे। ये फर्क है दोनों में, ये आप देख लीजिएगा। कभी कभी हमारे जो केंद्र सरकार है योजनाएं देती है इतने रुपए की, किसी राज्य को इतने रुपए की योजनाएं अलाउंस की जाती है, जितने इस एक व्यक्ति को सिर्फ 3 साल के लिए खेलने के लिए दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं उस चीज़ को कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने अंदर की पहचान करो कि है क्या हमारे ना, हम अपने आप को समय नहीं देते, सारी दुनिया को हमने समय दिया, अपने घर वालों को दिया, ठीक है, अपने भाइयों को दिया, दोस्तों को दिया, सबको समय दिया, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि हम है क्या। कभी 1 घंटा बैठ के सोचना, आपके पास फोन नहीं होना चाहिए, और अपने आप से बात करना कि मैं दुनिया में क्यों आया हूँ, क्या सरकारी नौकरी के लिए आया हूँ बस। अगर दिल से आवाज़ आती है कि भाई यही है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर आप इसी में लग जाइएगा, ठीक है। बाकी अगर कुछ है टैलेंट आपके अंदर, पेंटिंग का टैलेंट हो सकता है, गाने का टैलेंट हो सकता है, खेलने का टैलेंट हो सकता है, तो हो सकता है कि आपका जीवन चेंज हो जाए। और ध्यान रखना, सफल होने की कोई उम्र नहीं होती, इसके बहुत सारे आपके सामने एग्जाम्पल होंगे, आप उनको देख सकते हैं। रिस्क हर चीज़ में है, मुझे बताइएगा कौन सी इस दुनिया में ऐसी चीज़ है जिसमें रिस्क ना हो। सरकारी नौकरी भी आपका रिस्क पर ही है, ध्यान रखना इस चीज़ को। चलिए, भारत का पहला शून्य कार्बन तटस्थ गाँव ये भिवांडी है भाई, भिवांडी। ये भिवांडी जो गाँव है किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में या राजस्थान में? ये एक ऐसा पहला गांव विकसित किया जाएगा जहां पर कार्बन न्यूट्रिशन को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि कार्बन मुक्त ये होगा। बात समझ में आई या नहीं? तो ये किस राज्य में है भिवांडी गांव? ये महाराष्ट्र में है भाई, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र का एक गाँव है, ध्यान रखिए। इससे पहले एक पल्ली गाँव था, अगर आपके ध्यान हो, ये पल्ली गाँव कहाँ का है? ये पल्ली गांव है आपका जम्मू कश्मीर का, जो सबसे पहला कार्बन मुक्त गांव बना 2019 में। बात समझ में आई या नहीं? तो महाराष्ट्र को आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। चलिए, 2 दिवसीय लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, ठीक है ना। लेवेंडर के बारे में आपने सुना होगा, क्या आप जानते हैं ना, लेवेंडर एक पौधा है जिसकी सुगंध बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना। लेवेंडर एक पौधा है जिसके फूलों से क्या बनाए जाते हैं, विभिन्न उत्पाद बनाए जाते हैं, सेंट वगैरह जो आप लगाते हो, ड्यू वगैरह लगाते हो, उसका भी यूज उसमें किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका जो लेवेंडर फेस्टिवल है ये कहाँ पर मनाया जाएगा, जम्मू कश्मीर में, मणिपुर में, लद्दाख में या असम में? तो ये लेवेंडर फेस्टिवल भाई जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में आयोजन किया जाएगा। बात समझ में आई या नहीं? सर 6 जून के कलर के 3 क्वेश्चन रह गए थे यार, कैसे रह गए, बात समझ में नहीं आई, उसको देख लीजिए, देख लिया जाएगा। अगर आपके 6 जून के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बचे हुए हैं तो उनको करा दिया जाएगा, घबराए नहीं, आपने बता दिया तो हम उस पर ज़रूर एक बार देखेंगे कि कहाँ पर वो गलतियाँ हुई हैं, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया जाएगा, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। लेवेंडर एक पौधा होता है, ये भी आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भाई लेवेंडर क्या है, तो लेवेंडर एक पौधा है जिसमें 30 लाख लोगों को, ध्यान से सुनिएगा, जम्मू कश्मीर में 30 लाख लोगों को ये पौधा मुफ्त में दिया जाएगा, ठीक है ना, ये पौधा मुफ्त में दिया जाएगा। और ये 2 दिवसीय लेवेंडर फेस्टिवल इसको आयोजित कौन कर रहा है? CSIR इसको आयोजित कर रहा है। इसका आयोजक कौन है? तो ये CISR व आई
IIM के द्वारा इसको क्या किया जा रहा है, आयोजन इसका किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है, 5 जून में, 6 जून में, 7 जून में या 8 जून में? संयुक्त राष्ट्र में जो रूसी भाषा है उसको बढ़ावा देने के लिए ये जो है मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं जल्दी से बताएंगे, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसको भी एक बार बताएंगे। तो रूसी भाषा, क्या बता सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में कितनी भाषाएं हैं, क्या आप बता सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में कितनी भाषाएं हैं? तो 6 जून 2010 से ये प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है और इसको मनाने का जो श्रेय जाता है ये यूनेस्को ने इसको क्या कहा था मनाने के लिए, इसको एक तरीका से इसका आवेदन वहां पर प्रस्तुत किया था या घोषणा की थी कि 6 जून 2010 से लगातार हम क्या मनाएंगे, संयुक्त राष्ट्रीय रूसी भाषा दिवस के रूप में मनाएंगे। सर पीडीएफ कहाँ मिलती है भाई, एसएससी मेकर पे बताया तो अभी तुम्हें एप्लीकेशन पर मिलेगी। और ध्यान रखना इसकी 6 भाषाएं हैं, एक है अरबी भाषा, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आपको मैं रूसी भाषा बता ही चुका हूँ, ठीक है ना, रूसी भाषा आप ध्यान रखेंगे, आपका स्पेनिश है, क्या है, स्पेनिश है, आपकी चीनी भाषा है, चीनी यानी कि जो मिंडारिन भाषा है, चीनी नहीं मिंडारिन, ठीक है, लेकिन फिर भी आप इसको चीनी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। फ्रांसी है और इंग्लिश है, फ्रांसीसी भाषा जो होती है और इंग्लिश भाषा, अंग्रेजी भाषा, बात समझ में आई या नहीं जल्दी से बताइएगा। तो ये 6 भाषाएं आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है ना। चलिए चलिए, हाल ही में अमीर रजा का निधन हो गया, ये कौन थे, अभिनेता थे, वैज्ञानिक थे, पत्रकार थे या इनमें से कोई नहीं? अमीर रजा पास्ट अवे रिसेंटली वेज ही, तो ध्यान रखना ये जो अमीर रजा हैं ये एक अभिनेता थे, कौन थे, अभिनेता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि अमीर रजा किससे संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा, अभिनेता है, काफी मूवीज वगैरह में इन्होंने कार्य वहां पर किया है। हाल ही में टाटा समूह ने ईवी बैटरी के लिए किस राज्य में सरकार के साथ समझौता किया है? मैं आपको बता दूं कि टाटा समूह यानी कि जो टाटा ब्रांड है इसने ईवी बैटरी के लिए, ईवी मतलब इलेक्ट्रिकल जो बैटरी है उसका प्लांट लगाने के लिए कि कहां पर समझौता किया, किस राज्य के साथ समझौता किया, गुजरात के, महाराष्ट्र के या उत्तर प्रदेश के? तो इन्होंने जो समझौता किया ये महाराष्ट्र के साथ में किया, गुजरात के, उत्तर प्रदेश के, तीन में से आपको बताना होगा, ठीक है ना, तीन में से आपको बताना है। तो इन्होंने 13,000 करोड़ की लिथियम बैटरी कारखाने को लेकर समझौता किया, ये गुजरात सरकार के साथ इन्होंने समझौता किया है, किसके, गुजरात सरकार के साथ। टाटा की अगर बात की जाए तो भाई ध्यान रखना टाटा की जो स्थापना हुई थी 1867 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं अगर वर्तमान में टाटा के जो MD व चेयरमैन हैं या इसके जो ओनर हैं, मालिक हैं, ये रतन टाटा जी हैं। कौन है, रतन टाटा जी हैं, मुख्यालय मुंबई में है, ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बात समझ में आई या नहीं। तो ये 13,000 करोड़ रुपए का ये प्लांट लगाएंगे, कहाँ पर ये लगाएंगे, गुजरात में, अभी वहाँ पर इन्होंने समझौता किया है गुजरात सरकार के साथ में इलेक्ट्रॉनिकल बैटरी के लिए, बात समझ में आई या नहीं, ठीक है। और चलिए कोई बात नहीं, गलत हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने इनको पहले कभी नहीं पढ़ा, ये नए हैं। उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस स्थान पर खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के लिए प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है, गाजियाबाद में, नोएडा में, लखनऊ में या बरेली में, ठीक है ना। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश द ट्रेनिंग सेंटर फॉर एस्टिमेटेड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेशिया भी बोला जाता है, तो ये खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को लेकर जो ट्रेनिंग दी जाएगी ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बात समझ में आई, बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है ना। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही हो जाएगा, गाजियाबाद में मानक जो होते हैं स्टैंडर्ड, जैसे आप कोई प्लांट लगाना चाहते हैं इस प्रकार से इसको समझिएगा, आप कोई उत्पादन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई ड्रिंकिंग वाटर का उत्पादन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको वहां पर कुछ
तय मानकों के आधार पर ही क्या करना होगा, उत्पादन करना होगा। उसकी क्वालिटी आपको देखनी होगी, आप उसकी पैकेजिंग कैसी करते हैं, उसमें केमिकल का यूज नहीं होना चाहिए जिससे स्वास्थ्य का उसका ध्यान रखा जाए, आपका जो पैकेजिंग है वो रिसाइकिल होना चाहिए, ये एक नया मुद्दा सामने निकल कर आया है, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों का या मानकों का, स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखकर ही आप क्या कर पाओगे, अपना बिजनेस स्टार्टअप चला पाओगे, ठीक है। तो ये गाजियाबाद में जो वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी, एक तरीका से प्रशिक्षण केंद्र वहाँ पर दिया जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। भारतीय मूल के भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो विभाग है इसके महानिदेशक बनाए गए, ये कौन बनाए गए, ये एसएस राजू हैं, जनार्दन प्रसाद हैं, अमरेंद्र प्रकाश हैं, या बिहारी स्वेन हैं, ठीक है। जो आपका जीएसआई है, जीएसआई इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, जीएसआई इसको बोला जाता है। तो ध्यान रखना, इसकी स्थापना 1851 में हुई थी, ठीक है ना। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, कलकत्ता में इसका मुख्यालय है, और इसके जो महानिदेशक हैं वर्तमान में ये जनार्दन प्रसाद को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी। इससे पहले कौन थे, इनसे पहले आपको ध्यान रखना ये पूर्व वाले थे, जिनका नाम है एसएस राजू। क्या नाम है, एसएस राजू, ठीक है। गाजियाबाद दिल्ली में नहीं है, किसने बोला, विजय प्रताप सिंह, गाजियाबाद दिल्ली से लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है उसको दिल्ली में माने, ठीक है। आप किसी पड़ोसी के घर से, आपका घर अटैच है, तो आपको ये नहीं बोलेंगे ये इनका बच्चा है, ठीक है, आपको ये नहीं बोला जाएगा ये इनका बच्चा है, ध्यान रखना ये यूपी का है, ध्यान रखिएगा। बात समझ में आई या नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाल ही में जैब्रोनिक्स टीवी का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, जो जैब्रोनिक्स ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करती है, सॉरी किया है, वर्तमान में किसे किया है। जैब्रोनिक्स एक इंडियन कंपनी है भाई, ठीक है ना, जो क्या बनाती है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाती है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बनाती है, ठीक है। इन सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना, इन सारी चीज़ों का, जैब्रोनिक्स के जो अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए, ऋतिक रोशन बनाए गए, वरुण धवन, कार्तिक आर्यन, या फिर क्या हो जाएगा, राजेश दोषी हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ये आपको यहाँ पर ऋतिक रोशन को याद रखना होगा, ठीक है ना। चलिए बात समझ में आई या नहीं, जल्दी से बताएंगे। ऋतिक रोशन है जो जैब्रोनिक्स टीवी के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए। अगर हम जैब्रोनिक्स की बात करें तो 1997 में इसकी स्थापना हुई है, इस कंपनी की, इसका फॉर्मेशन कब हुआ है, 1997 में। इसका जो हेडक्वार्टर है भाई कहाँ पर है, ये हेडक्वार्टर है चेन्नई में, और वर्तमान में मैं आपको बताना चाहूँगा इसके एमडी सीईओ कौन है, ये है राजेश दोषी। एमडी व सीईओ कौन है, राजेश दोषी। तो ऑप्शन ए सही होगा, बात समझे या नहीं। सरकारी नौकरी चाहे कोई भी हो, उसमें 100% सफलता के लिए आज ही डाउनलोड करें एसएससी मेकर ऐप। एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।